हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की। जैसा कि आप लोगों ने अगर क्वेश्चन पेपर देखा होगा, ये रहा क्वेश्चन न्यू सिलेबस का, तो इसमें देखा होगा आपने। अगर वीडियो नहीं देखा है तो लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप देख लीजिएगा कि कैसे न्यू अकॉर्डिंग टू सिलेबस जो है उसका कैसा क्वेश्चन पेपर आया था और किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो उसी के हिसाब से इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। सब्जेक्ट की बात की जाए तो ये डी फार्मा फर्स्ट ईयर का फार्मास्यूटिक्स का सब्जेक्ट है। आइए देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन, जो कि आपने देखा होगा क्वेश्चन पेपर जब मैंने दिखाया था, तो वॉल मिल जो टॉपिक है उससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो यहाँ पे भी देखिए डिस्कस किया गया है, क्योंकि मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही ले आई हूँ आपके लिए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, जो कि मेरे लिए एक एनर्जी बूस्ट की तरह आपका एक लाइक काम करेगा। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, वॉल मिल वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है जल्दी से बता दीजिए अगर आपको पता है, नहीं तो मैं बताती हूँ। सी नंबर इम्पैक्ट एंड एट्रिएशन, तो जब मैंने आपको टॉपिक वॉल मिल वाला पढ़ाया था उसमें इम्पैक्ट एंड एट्रिएशन का काफी ज्यादा यूज हुआ था, तो वो क्या है, ये प्रिंसिपल है वॉल मिल वर्क करने का, ठीक है। अब आइए सेकंड नंबर क्वेश्चन समझते हैं, फिल्टर एड इज, तो फिल्टर एड क्या है, इसका करेक्ट आंसर है डी नंबर ऑल ऑफ द अबव, मतलब कि जो फिल्टर होता है वो सब काम करता है, काइसलेगर टाल्क और चारकोल का, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर डी नंबर ऑल ऑफ द अबव। अब आइए थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं, द एबिलिटी टू रेसिस एजेंट इन्फेक्शन इज अ कॉल्ड, तो जो रेसिस इन्फेक्शन हो जाता है उसको क्या बोलते हैं, इसका करेक्ट आंसर है ए नंबर इम्यूनिटी। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं, टेबलेट आर एवुलेटेड फॉर, इसका करेक्ट आंसर डी नंबर है, जो टेबलेट होती हैं वो एवुलेटेड होती हैं फॉर, करेक्ट नंबर आंसर डी है। डिसइंटीग्रेटेड भी होती है, फेरिएबिलिटी भी होती है और हार्डनेस भी होती है, तो इसका करेक्ट आंसर सी नंबर डी है, ठीक है, डी नंबर ऑल ऑफ द अबव। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देखिए, वोलेटाइल ऑयल आर आइसोलेट बाय, कैसे आइसोलेट किया जाता है, इसका करेक्ट आंसर डी नंबर है, सॉरी करेक्ट आंसर इसका बी नंबर है, स्टेम डिस्टिलेशन से क्या किया जाता है, वोलेटाइल ऑयल आइसोलेट किया जाता है, मिलता है, ठीक है। स्टेम मतलब कि जो पेड़ का तना होता है उससे। देखिए यहाँ पे सिक्स नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, कुछ डिफिकल्ट भी है और ये तो आपके एग्जाम में नहीं आएगा, क्योंकि ये मैचिंग वाले हैं, जो आपके एग्जाम में आएगा उसको देखते हैं। फिलिंग द ब्लैंक्स, आपने क्वेश्चन पेपर में देखा था कि उसमें फिलिंग द ब्लैंक्स भी पूछे गए थे, जो कि काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। डैश इज अ प्रोसेस वेयर फिजिकल अटैच्ड मॉइस्चर इज आर रिमूव, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, यहाँ पे आपको फिल करना रहेगा, डिसिकेशन, ओके। तो यहाँ पे मैं आपको स्पेलिंग भी दिखा देती हूँ। अब आइए क्वेश्चन नाइन देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है वैक्सीन गिव डैश इम्यूनिटी, यहाँ पे आपको फिल करना है एक्टिव, ओके। तो वैक्सीन जो होती हैं वो क्या कर देती हैं, इम्यूनिटी सिस्टम को एक्टिव कर देती हैं, जैसे हमारी कोरोना वैक्सीन ही हो गई, जैसे सभी लोगों को लगी है। अब आइए टेन नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पोलियो वैक्सीन इज आर डैश वैक्सीन, तो ये कौन सी वैक्सीन है, पोलियो वैक्सीन, करेक्ट आंसर है वायरल, तो जो बच्चों को पोलियो वाली वैक्सीन लगती है वायरल के लिए, ठीक है, कि उनको कोई भी वायरल जैसे कि छुआछूत वाली जो बीमारियां होती है ना, जो बहुत सारे लोग खिलाते हैं बच्चे को, तो वो छुआछूत वाली बीमारी ना हो जाए, इसीलिए पोलियो की वैक्सीन लगवाई जाती है बच्चों को, और उसे क्या कहते हैं, पोलियो वैक्सीन को वायरल वैक्सीन कहते हैं। अब आइए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, द रेट ऑफ फिल्ट्रेशन इज इंक्रीज बाय डिक्रीजिंग द डैश ऑफ डैश, आपको यहाँ पे फिल करना है विस्कोसिटी और इधर फिल्ट्रेशन, ओके, या फिल्ट्रेट भी कह सकते हैं। अब आइए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, स्टिक टेस्ट इज अ परफॉर्म टू एस्किरेटिंग सस्पेक्टेबिलिटी टू डैश, आपको यहाँ पे फिल करना है डिप्थेरिया, ओ सॉरी मैंने 12 नंबर क्वेश्चन तो पढ़ाया ही नहीं। सोल्यूशन ऑफ कैरसोल विथ सेप इज यूज एज, तो आपको यहाँ पे फिल करना है लाइसोल, ओके। अब आइए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, डैश टेस्ट इज यूज फॉर एवल्यूशन ऑफ डिस इन्फेक्टेंट, तो आपको यहाँ पे फिल करना है स्टूडेंट आर डब्ल्यू, ओके, मतलब रेट अपॉन वैल्यू टेस्ट, आप आर डब्ल्यू भी फिल कर सकते हो। टेस्ट क्या करता है, यूज किया जाता है एवल्यूशन ऑफ डिस इन्फेक्टेंट में। अब आइए ट्रू फॉल्स देखते हैं, क्योंकि हमारे क्वेश्चन पेपर में ट्रू फॉल्स भी तो था भाई।
जो कि कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप 20 क्वेश्चंस वाले ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस कवर करे रहोगे तो आपकी इसमें क्या रहेगा कि एक भी नंबर कटने नहीं रहेंगे, आपकी मेहनत एकदम सेफ रहेगी। वैसे बड़े बड़े क्वेश्चन लॉन्ग वाले करने में क्या रहता है कि कुछ नंबर पूरे में से पूरे नंबर नहीं देते हैं टीचर, चाहे आप जितना भी अच्छा कर लो। लेकिन आप शॉर्ट क्वेश्चंस रहेगा तो उसमें क्या नंबर काटेंगे, जब आप करेक्ट आंसर बता रहे हो तो उसका नंबर थोड़ी काट पाएंगे वो लोग। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है और अच्छे से तैयारी करनी है अपनी। 15 नंबर में क्वेश्चन लिखा गया है ट्रू फॉल्स है, सही गलत मतलब, द कैप्सूल नंबर 5 कैन बी फिल ओनली 100 mg ऑफ पाउडर। तो ये करेक्ट है, सही लिखा हुआ है बिल्कुल कि 5 नंबर वाले कैप्सूल्स में फिल किया जाता है 100 mg पाउडर्स। ओके 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है मेंबर फिल्टर इज मेड ऑफ सेल्यूलोज पैथोलॉजिकल। तो ये गलत है, बिल्कुल गलत लिखा हुआ है, इसको बिल्कुल ध्यान मत दीजिएगा। और अब अगर आप नोट्स में लिख रहे हो अपने, उतार रहे हो कॉपी में, इसको बिल्कुल ना लिखिए, क्योंकि वही पॉइंट लिखिए जो सही है। सही के बारे में ज्यादा जानकारी रखिए, गलत के बारे में नहीं। अब आइए 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अल्टरेशन इज अ प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ऑफ फाइन एंड कोर्स पार्टिकल। तो ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है, करेक्ट है। 18 नंबर क्वेश्चन, इम्प्लीएंट प्रोवाइड स्लो एब्जॉर्प्शन ऑफ अ ड्रग, बिल्कुल सही लिखा हुआ है, करेक्ट है ये। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, टिक्चर इज जिंजर इज प्रोसीड बाय द माइग्रेटिंग प्रोसेस, बिल्कुल गलत है, फॉल्स है, बिल्कुल नहीं ध्यान दीजिएगा इस पे, सही पे ध्यान दीजिए। 20 नंबर क्वेश्चन, सरफेस टेंशन इज एक्सप्रेस्ड इन डाइंस स्लैश cm मतलब सेंटीमीटर में, यस करेक्ट लिखा हुआ है। अब आइए 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 21 नंबर, लोजेंज टेबलेट आर इंटेंड टू डिजोल्व स्लोइंग इन माउथ टू प्रोडक्ट लोकल एक्शन इन द थ्रॉट, बिल्कुल सही लिखा हुआ है, करेक्ट है। तो फ्रेंड्स आई होप आप लोगों ने वीडियो को लाइक कर दिया होगा, और अगर वीडियो हेल्पफुल लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, और वीडियो कैसा लगा, क्या रिस्पॉन्स रहा आपका, कमेंट करके जरूर बताइएगा।